ओम श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, एस्ट्रो समाधान यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मीन राशि वालों, हो जाओ तैयार, क्योंकि अब भगवान शनिदेव ने लिख दिया है आपका नसीब। अब आपको भगवान शनिदेव के आशीर्वाद से 1 जून से 30 जून यानी कि जून 2022 के महीने में मिलने वाली है 4 बहुत बड़ी खुशखबरी। क्या दोस्तों, भगवान शनिदेव के आशीर्वाद से जून 2022 के महीने का समय आपके लिए बहुत ही अच्छा समय साबित होने वाला है। भगवान शनिदेव के आशीर्वाद से जून 2022 के महीने में आपके जीवन में आपको अनेकों प्रकार के बड़े बड़े परिवर्तन, बड़े बड़े लाभ, धन लाभ और बड़े बड़े सफलताओं की प्राप्ति होने वाली है, जिससे आपका जीवन बदल जाएगा। जहाँ दोस्तों, वे 4 बड़ी खुशखबरियां कौन कौन सी हैं जो कि आपको भगवान शनिदेव के आशीर्वाद से जून 2022 के महीने में मिलने वाली हैं। इस वीडियो में हम आपको उन्हीं 4 बड़ी खुशखबरियों के बारे में बताने वाले हैं, इसलिए आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखें। बिल्कुल भी इस वीडियो को आप मिस ना करें, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। दोस्तों, वीडियो को आगे शुरू करें, सबसे पहले भगवान शनिदेव के सच्चे भक्त इस वीडियो को 1 लाइक अभी कर दें। कमेंट्स बॉक्स में जय शनिदेव अवश्य लिख दें, जिससे भगवान शनिदेव का आशीर्वाद आपको सीधे प्राप्त हो सके। और साथ ही साथ अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे समय समय पर इसी प्रकार की महत्वपूर्ण ज्ञानवर्धक वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके। चलिए दोस्तों, बात करते हैं कैसा रहेगा आपके लिए भगवान शनिदेव के आशीर्वाद से 1 जून से 30 जून यानी कि जून 2022 के महीने का यह महत्वपूर्ण समय। दोस्तों, शनि ग्रह के प्रति अनेक आख्यान पुराणों में प्राप्त होते हैं। शनिदेव को सूर्य पुत्र एवं कर्म फल का दाता माना जाता है, लेकिन साथ ही पितृ शत्रु भी शनि ग्रह के संबंध में अनेक भ्रांतियां और इसके लिए उसे मारक, अशुभ और दुख कारक माना जाता है। पश्चात ज्योतिष भी उसे दुख देने वाला मानते हैं, लेकिन शनि उतना अशुभ और मारक नहीं है जितना उसे माना जाता है, इसलिए वह शत्रु नहीं मित्र है। मोक्ष को देने वाला एकमात्र शनि ग्रह ही है। सत्य तो यह है कि शनि प्रकृति में संतुलन पैदा करता है और हर प्राणी के साथ उचित न्याय करता है। या दोस्तों, जो लोग अनुचित विषमता और अस्वाभाविक क्षमता को आश्रय देते हैं, शनि केवल उन्हीं को दंडित करते हैं। अनुराधा नक्षत्र के स्वामी शनि हैं। या दोस्तों, ऐसे में अब आप लोगों का भाग्य भगवान शनिदेव के आशीर्वाद से बदलने वाला है। लेकिन आज हम आपको बताने जा रहे हैं जिनके बारे में ज्योतिषों का मानना है कि उनकी बंद किस्मत अब खुलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, इतना ही नहीं बताया तो यह भी गया है कि आपकी कुंडली में अब अचानक बड़ा उलटफेर हुआ है, जिसकी वजह से आपको बहुत बड़ी खुशखबरी अब प्राप्त होगी। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को आने वाले दिनों में किस्मत का पूरा साथ मिलने वाला है। इतना ही नहीं, आपके जीवन में धन संबंधित जो भी परेशानियां चल रही हैं, समस्त परेशानियों का अब अंत होगा और आपकी पैसे से संबंधित सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी, सभी काम पूरे होंगे। आपको बता दें कि आप लोगों के दाम्पत्य जीवन में पहले से ज्यादा मधुरता आएगी। और तो और, हो सकता है कि आप लोग अपने परिवार के साथ कहीं बाहर घूमने भी जा सकते हैं। इतना ही नहीं, इसके अलावा आप लोग विद्यार्थी हैं तो आपको अपने कार्य में सफलता मिलेगी, लेकिन हो सकता है कि इस हफ्ते अधिक परिश्रम आपको करना पड़े। अगर बात करें आप लोगों के व्यापार की तो इनको बहुत ही लाभ होने वाला है। आप लोगों को कोई बड़ा ऑर्डर भी मिल सकता है। और अगर आप नौकरी की तलाश में हैं तो आपको अपनी मन पसंद नौकरी भी मिल सकती है। जी हाँ दोस्तों, अब आपके जीवन में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं रहेगी। आपको बता दें कि आपके ग्रहों में अब कुछ ऐसा परिवर्तन हो रहा है जिसकी वजह से आपके जीवन में सभी दुख तकलीफें अब समाप्त होंगी और आपके सभी कार्य बहुत ही आसानी से बनने लगेंगे। धन संबंधित जो भी परेशानियां हैं, सभी परेशानियों का अब अंत होगा। आपके जीवन के सभी दुख दर्द और कष्ट मिटने वाले हैं। आप लोगों का पारिवारिक माहौल बहुत ही सुख में रहेगा। आप लोगों का मन बहुत ही प्रसन्न रहेगा। आप लोगों को
बहुत ही अनेकों प्रकार के लाभ होंगे। आप लोगों को यात्राओं से भी लाभ पहुंच सकता है। आपकी जितनी भी प्रेम संबंधित समस्याएं हैं वे अब सभी दूर होंगी। जो लोग अपने प्यार की तलाश में हैं, उनको मन चाह प्यार मिलने वाला है। आपको बहुत बड़ी खुशखबरी और सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। आपकी जितनी भी कष्टकारी स्थितियां हैं वे अब दूर हो जाएंगी। आप किसी दूर स्थान की यात्रा पर भी जा सकते हैं। आप लोगों को धन लाभ के अनेकों अवसर प्राप्त होंगे। आपका पारिवारिक माहौल बहुत ही शांतिपूर्ण बना रहेगा। आपको जीवन साथी का भी भरपूर सहयोग मिलेगा, जिसकी वजह से आप लोग अपने कार्य क्षेत्र में सफलता हासिल करेंगे। आपको बता दें कि अब आपके अच्छे दिनों की शुरुआत होने वाली है। आपको वे सारी खुशियां प्राप्त होंगी जिसके आप हकदार हैं। जो लोग व्यापारी हैं उनको अपने किसी पुराने मित्र का भी साथ मिल सकता है। आप लोग किसी भी परेशानी में अपने पार्टनर का साथ ना छोड़ें। आप जल्द ही इस बात को देखेंगे कि आपके जितने भी रुके हुए कार्य हैं वे अब पूरे होने लगेंगे। आप लोगों का कैरियर अब चरम सीमा पर पहुंचने वाला है। आप लोग अपने कैरियर में अब एक अलग ही मुकाम हासिल करने वाले हैं। आपके परिवार में चल रहा कलेश दूर होगा। आपको लगातार हर कामों में दोस्तों की सहायता मिलेगी। आपके रुके हुए काम अब बनने लगेंगे। रुका हुआ धन भी आपको वापस मिल सकता है। नया काम करने के लिए आपके लिए जल्द ही समय बहुत ही अच्छा आने वाला है। आपका व्यापार चारों दिशाओं में फैलेगा। जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनको मन पसंद नौकरी मिल जाएगी। शेयर बाजार में भी आपको बड़ा मुनाफा मिलेगा। जमीन लेन देन के कार्य में आपको ढेर सारा धन प्राप्त हो सकता है। आप लोगों की किस्मत अब चमकने वाली है। आप लोगों के जीवन में उजाला आ सकता है। आप अपने संबंधों को लेकर बहुत अधिक ज्यादा गंभीर हैं और बहुत सोचते हैं। खुद को थोड़ा हल्का करें, अपने पार्टनर के साथ समय बिताएं। वैवाहिक जीवन में आप कुछ बेहतर करने का प्रयास कर सकते हैं। विकास की संभावनाएं रह सकती हैं। शारीरिक गतिविधियां आपकी अच्छी बनी रह सकती हैं। सेहत पर आपको थोड़ा सा अधिक ध्यान देने की जरूरत साबित हो सकती है। लंबे समय से अटके हुए कुछ बड़े कार्य आपके लिए समय पर होने वाले हैं। बच्चों के प्रति थोड़ा सा ध्यान देने की आपको जरूरत साबित हो सकती है। रोमांस का स्तर आपके लिए बढ़ने वाला है। सच्चा प्यार आपको अब वापस मिलने वाला है। कामकाज के मोर्चे पर समय आपके लिए बहुत ही बेहतरीन साबित होने वाला है। धार्मिक कार्य अच्छी तरीके से होते हुए आपको प्रतीत हो सकते हैं। कुछ परिस्थितियों को समझना आपके लिए बहुत जरूरी साबित होने वाला है। जय दोस्तों, अब आपको भाग्य का पूरा साथ मिलने वाला है। दोस्तों बात कर लेते हैं इन दिनों आपके लिए विशेष उपाय क्या हैं। दोस्तों आप प्रत्येक शनिवार को स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद एक कटोरी में थोड़ा सरसों का तेल लें और उसमें अपना चेहरा देखें। इसके बाद आप इस तेल का किसी जरूरतमंद को या फिर मंदिर में इसका आप दान करें। ऐसा करने से भगवान शनिदेव की कृपा आप पर सदैव बनी रहेगी और भगवान शनिदेव के आशीर्वाद से आपके समस्त कार्य बहुत ही आसानी से बनते चले जाएंगे। दोस्तों भगवान शनिदेव का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो। सच्चे दिल से कमेंट्स बॉक्स में जय शनिदेव अवश्य लिखें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।